उन्होंने पूछा है भाई मेरे माइक से इतना अच्छा साउंड नहीं आता है, मतलब हवा की आवाज़ ज़्यादा आती है और वॉइस कम आती है। इन्होंने लिखा है भाई मेरे पास भी जुपिटर है ZX, लेकिन बहुत कम माइलेज देती है, कभी कभी 30-35 का देती है। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अभी टाइम शाम के 5:30 बजने वाले हैं और अभी मैं कुछ इस तरह की जगह पर पहुँच गया हूँ अपनी स्कूटी को लेकर। तो इस वीडियो में करने वाले हैं हम अपना वीकली Q&A जो कि हम हर हफ्ते करते हैं। सामने से देखो बहुत ही ज़्यादा तगड़ी वो आ रही है एंडेवर, इसका नंबर भी वो है 111। क्या मस्त लग रही है ना, चमक रही है, एक स्क्रैच तक नहीं है उस गाड़ी में। लोग यार पता नहीं कैसे रख लेते हैं स्क्रैचलेस गाड़ी, बहुत सारे लोग देखे मैंने वो बाइक स्कूटर सब स्क्रैचलेस रख लेते हैं, और मैंने इतनी रखने की कोशिश करी पर फिर भी इतने सारे स्क्रैच पड़ गए मेरी स्कूटी में, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और Q&A करने के लिए मेरे को सबसे पहले वो लगाना पड़ेगा मोबाइल होल्डर, तभी तो मैं कमेंट्स पढ़ पाऊँगा। बाकी जो लोग ये Q&A पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ, तो हफ्ते में जो जो बढ़िया बढ़िया कमेंट्स आते हैं ना इंटरेस्टिंग से, उनका रिप्लाई करता हूँ मैं इस Q&A में। यहाँ जगह खाली है तो यहाँ पर रोक के लगाते हैं होल्डर। सामने देखो गाड़ियाँ रुकवा रखी है ट्रैफिक पुलिस ने, चलान कट रहे हैं चलान। ये रहा मेरा प्यारा मोबाइल होल्डर। लोग वैसे यार रुक जाते हैं आराम से, कोई ऐसे भगा के नहीं ले जाता, पुलिस अंकल जिसको रोकते हैं वो आराम से रुक जाता है। वैसे तो मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई दे देता हूँ, पर जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं ना उनका रिप्लाई देता हूँ इस Q&A में, जो मैं हर हफ्ते करता हूँ, वीकेंड्स में करता हूँ, फ्राइडे सैटरडे संडे। तो पहला कमेंट लेते हैं AR व्लॉग्स जी का। उन्होंने पूछा है भाई मेरे माइक से इतना अच्छा साउंड नहीं आता है, मतलब हवा की आवाज़ ज़्यादा आती है और वॉइस कम आती है, तो क्या करूं? इस चीज़ से तो यार बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं विंड नॉइस से। कई लोग सोचते हैं कि मैं जो वॉइस करता हूँ ना ये वॉइस ओवर होती है, असली में नहीं बोल रहा होता मैं, लेकिन ये मैं असली में ही बोल रहा हूँ। ये देख लो चाहे तो सामने महिंद्रा का शोरूम है, ये गाड़ी आ रही है, ये आवाज़ सुन लो, तो ये वॉइस ओवर नहीं है। ये देख लो कितनी सारी गाड़ियाँ लगी है, पर यार बहुत महंगी महंगी है गाड़ियाँ, तो मैं तो बस नैनो खरीद सकता हूँ, वो भी सेकंड हैंड, और वो भी मेरे को मिल नहीं रही है। अभी रिसर्च जारी है, मतलब ढूंढना जारी है उसका, जब मिलेगी तब आपको पता चल जाएगा। बाकी हो सकता है कल या परसों जाऊँगा किसी दुकान वुकान में देखने, किसी मार्केट वार्केट में देखने। तो अच्छी ऑडियो क्वालिटी ना बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है, पहला एक्शन कैमरा या फिर मोबाइल, दूसरा आपका माइक, तीसरा आपका हेलमेट। अगर आपका हेलमेट वैसा है ढीला ढाला सा, उसमें चारों तरफ से हवा अंदर घुसती है तो माइक में भी घुसेगी और वीडियो में विंड नॉइज़ ज़्यादा रिकॉर्ड होगी। ये देखो टाटा का शोरूम आ गया, लेकिन नैनो तो अब नई मिलती नहीं है, देख रहे हो सबसे बड़ा शोरूम टाटा नहीं खोल रखा है इधर। पहले ये रोड के उस पार था, अब इन्होंने इस पार खोल लिया, क्योंकि इधर सारे हैं ना, टाटा के लिए लोगों को अलग से उधर जाना पड़ता था, अब यहीं लाइन में टाटा भी मिल जाएगा। जैसे ये हुंडई का आ गया, उसके बगल में टोयोटा है, ऐसे ही सारे शोरूम्स लाइन से हैं यहाँ पे। तो वॉइस क्वालिटी बढ़िया करने के लिए सबसे पहले तो एक वैसा हेलमेट खरीदो जिसके अंदर हवा ना आए, एकदम टाइट चारों तरफ से पैक, मतलब आप स्कूटी चलाओ ना तो आपके कानों में भी ना आए हवा की आवाज़, ऐसा हेलमेट। दूसरी चीज़ आपको करनी है वो है एक माइक खरीदना बढ़िया सा। बढ़िया सा क्या, मेरा माइक 350 रुपये का है, तो ये कुछ ऐसी आवाज़ रिकॉर्ड कर देता है जिससे काम चल जाता है। हाँ अगर इस माइक से मैं 70-80 की स्पीड में रिकॉर्ड करूँगा ना तब कट कट के आवाज़ आएगी, लेकिन स्लो स्पीड में बढ़िया वॉइस रिकॉर्ड कर देता है ये, स्लो स्पीड के लिए तो वैल्यू फॉर मनी है। और वैसे भी स्कूटी ज़्यादा फास्ट तो चलती नहीं है, स्लो स्पीड में ही चलती है, 40-50 ज़्यादा से ज़्यादा 60, तो स्कूटी के लिए सही है। और एक चीज़ ना यार ये भी है, जो सस्ते वाले एक्शन कैमराज होते हैं ना उनमें आप GoPro जैसी वॉइस क्वालिटी नहीं डाल सकते चाहे कुछ भी कर लो, वरना फिर GoPro क्यों लेंगे? मैंने भी तो इसलिए ही लिया है GoPro, तो मेरे पास GoPro है, इससे भी मेरी बहुत सारी ऑडियो क्वालिटी बढ़िया हो जाती है। इसमें इंटरनल वो है ना नॉइज़ कैंसिलेशन, विंड नॉइज़ कैंसिलेशन, जो कि विंड नॉइज़ कम करने में थोड़ी हेल्प कर देता है मेरी, और मोटो व्लॉग्स बढ़िया आ जाते हैं उनमें, ऑडियो क्वालिटी बढ़िया रिकॉर्ड हो जाती है। इससे पहले मैं SD कैम यूज़ करता था तो उसमें ऐसी क्वालिटी नहीं आती थी ऑडियो की, तो मेरे को वैसे ही काम चलाना पड़ता था थोड़ी ख़राब ऑडियो से, क्या कर सकते थे उस टाइम। फिर जब मैंने ये लिया तो क्वालिटी अच्छी हो गई,
इसीलिए अगर आपको सेम डिट्टो ऐसी क्वालिटी चाहिए फिर तो आपको गोप्रो लेना ही पड़ेगा। बाकी वैसे नॉर्मल कैमरा से भी ठीक ठाक रिकॉर्ड हो जाती है। नेक्स्ट कमेंट कुलदीप भाई का आ रखा है, उन्होंने लिखा है मोदी नगर में ट्राई करो, मोदी नगर नहीं मोती नगर में ट्राई करो या फिर OLX पे। तो OLX पे तो मैं कर ही रहा हूँ ट्राई, बाकी मोती नगर में और कर लेंगे जाके, कभी जाऊँगा उस तरफ। OLX पे तो जितनी नैनो है ना मैंने सबको ही मैसेज भेज दिया है, मतलब जो मेरे लायक है। मेरे को 12 मॉडल चाहिए ना, 11 12 13 मॉडल, तो वो जो अवेलेबल है दिल्ली नंबर में मैंने सबको कर दिया है। बाकी देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है, सामने से बात बन पाती है या नहीं बन पाती, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि बात बन पाएगी। नेक्स्ट कमेंट आ रखा है रोविंग गौरव जी का, उन्होंने पूछा है कार्तिक भाई आपके साथ राइड पे चल सकते हैं क्या? तो हाँ बिल्कुल चल सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि हर हफ्ते ना संडे राइड पे जाया करूँगा, तो आप में से जिसको भी जाना हो ना आ जाना। थर्सडे फ्राइडे तक मैं बता दिया करूँगा कि संडे को राइड करूँगा या नहीं करूँगा, तो जिसका मन हो आ जाना, साथ में घूमेंगे, खाना खाएंगे और घर आ जाएंगे अपने अपने। इस टाइम देख लो यार रोड कितना ज़्यादा खाली रहता है, ये टाइम सही है घर जाने के लिए, फिर इसके बाद तो भीड़ भाड़ हो जाती है। अभी के टाइम भी भीड़ भाड़ है पर यहाँ से स्टार्ट हो रही है भीड़ भाड़, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ये भी बढ़ता जाएगा और पीछे तक जाता जाएगा। अगला कमेंट लेते हैं पुष्कर राज गेमिंग जी का, इन्होंने लिखा है भाई मेरे पास भी जुपिटर है ZX लेकिन बहुत कम माइलेज देती है, कभी कभी 30-35 का देती है, प्लीज कुछ एडवाइस दो माइलेज बढ़ाने की। तो अभी मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ, वो करके आप थोड़ी थोड़ी माइलेज बढ़ा सकते हो, लेकिन अगर उससे भी ना बढ़े तो इसका मतलब स्कूटी में कुछ दिक्कत है। बहुत बार ऐसा होता है ना स्कूटी के अंदर कुछ खराब होता है, उससे भी माइलेज कम होती है। तो सबसे पहले तो टायर चेक कर लेना कि हवा तो नहीं लीक होती उनमें से, जैसे आज टायरों में हवा भरवाना फिर कल चेक करना उतनी सेम टू सेम है या कम हो गई है। अगर कम हो रही है तो इससे भी आपकी माइलेज कम हो सकती है, क्योंकि टायरों में हवा कम हो जा रही है। हवा कम रहेगी तो इंजन को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी गाड़ी को धकेलने के लिए, एक तो ये हो गया। दूसरा फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल यूज़ करके देख लेना, और तीसरा अपना आराम आराम से चलाओ, एकदम से रेस मत दो, एकदम से ब्रेक मत लगाओ, मतलब ब्रेक तो एकदम से लगा लेना पर एकदम से रेस ब्रेक ये मत करना। ट्रैफिक की स्पीड में चलो, जैसे ट्रैफिक अभी इस स्पीड में चल रहा है मैं भी इसी स्पीड में चल रहा हूँ बिना ब्रेक दबाए, देख लो। अब मैं इनसे ज़्यादा स्पीड में चलूँगा ना तब मेरे को एकदम से ब्रेक लगानी पड़ेगी, लेकिन इनकी स्पीड में चलूँगा तो मेरे को एकदम से ब्रेक नहीं लगानी पड़ेगी। अब ये ट्रैफिक ऐसे ही चलता रहेगा आगे रेड लाइट तक, बस मेरे को रेड लाइट पे ब्रेक लगानी है। ये देख रहे हो ब्रेक मैंने छू नहीं रखी है, ना आगे की ना पीछे की, बस ट्रैफिक की स्पीड में मैं चले जा रहा हूँ फ्लो में। अभी अंकल देखो ट्रैफिक से स्पीड में चल रहे थे फिर इन्हें ब्रेक लगानी पड़ी एकदम से, तो ऐसे ही होता है, फिर एकदम से उठाने के लिए रेस देनी पड़ेगी, और मैं वहीं बिना ब्रेक दबाए पहुंच चुका हूं रेड लाइट पे। अब यहां दबाऊंगा हल्की सी ब्रेक और स्कूटी रुक जाएगी। तो ऐसे वाले राइडिंग स्टाइल से बहुत ज़्यादा माइलेज दे देती है कोई सी भी गाड़ी। कुछ कुछ लोगों का जो राइडिंग पैटर्न होता है ना वो बहुत ज़्यादा वो होता है एग्रेसिव, तो उन लोगों की गाड़ियाँ थोड़ा कम माइलेज देती है, थोड़ा नहीं बहुत कम माइलेज देती है। वही है जितना थ्रॉटल दोगे उतना तेल भी पिएगी ज़्यादा, और अगर आपको भगानी भी है, अब जैसे यहाँ पर ट्रैफिक थोड़ा फास्ट है तो यहाँ पर 50-60 चली जाएगी। अब मुझे लेफ्ट लेना है तो मैंने पहले ही ना थ्रॉटल छोड़ दिया था आधा किलोमीटर पहले, इसीलिए 10 पे आते आते बहुत ज़्यादा स्लो हो गई, फिर हल्की सी ब्रेक मार के मोड़ दी मैंने। ये देख रहे हो ब्रेक का इस्तेमाल कितना कम हो रहा है मेरी स्कूटी में। और प्रीमियम पेट्रोल यूज़ कर सकते हो थोड़ी बहुत माइलेज बढ़ाने के लिए, लेकिन इन सारी चीज़ों के बाद भी अगर माइलेज ना बढ़े तो इसका मतलब स्कूटी में कुछ ना कुछ दिक्कत है, फिर आप मैकेनिक को दिखाओ वही ठीक करेगा उसे तो। और दिक्कत पता करने का एक तरीका मैं बताता हूँ आपको, स्कूटी साइड में रोक के, जैसे मेरी स्कूटी बंद हो गई, अब मैंने चाबी ऑन करी, देखो ऐसे स्टार्ट हो जानी चाहिए तुरंत, अगर बहुत ज़्यादा ऐसे खें 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 कर रही है फिर स्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब कुछ दिक्कत है। ये देखो ऐसे होनी चाहिए, देख रहे हो
तुरंत स्टार्ट हो जा रही है। टच करते ही ना स्टार्ट होनी चाहिए स्कूटी। अगर स्टार्ट हो रही है इसका मतलब सारी चीज़ें बढ़िया है, अगर स्टार्ट नहीं हो रही तो इसका मतलब कुछ दिक्कत है। हो सकता है बैटरी की दिक्कत हो, लेकिन अगर बैटरी सही है तो फिर इंजन में कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है, इंजन में, कार्बोरेटर में, किसी भी चीज़ में। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है, सेटिंग ख़राब हो जाती है कार्बोरेटर की, उसमें कूड़ा आ जाता है, कार्बन जमा हो जाता है, कोई तार ख़राब हो जाती है, तो इन सब चीज़ों से भी माइलेज ड्रॉप हो जाती है। तो मेरे ख्याल से इतने क्वेश्चंस बहुत है आज के लिए। अब थोड़े बहुत वो क्वेश्चंस बता देता हूँ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस FAQ। देख रहे हो सामने का व्यू क्या तगड़ा हो रखा है, सनसेट हो रहा है ना, सनसेट। चलो अब सन के साथ मैं भी सेट हो जाता हूँ और इस वीडियो को यहीं पर ही एंड कर देता हूँ। अब आपसे मिलता हूँ कल अगली वीडियो में। जय हिंद।